हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री वे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे पेटीएम केवाईसी करने के लिए। अगर दोस्तों आप पेटीएम केवाईसी अपने खुद से करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हो। दोस्तों अगर आप पेटीएम केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी सुविधा पेटीएम की तरफ से आप सभी को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों जब यहां लोगों पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहां पर एक ग्रीन कलर में वेरिफिकेशन बैच मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर और सर्विस जैसे कि स्कैन पे, टू मोबाइल, टू सेल्फ, टू बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। यानी इसके माध्यम से किसी के अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस हिस्ट्री, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पर पेटीएम बैंक अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ दोस्तों अगर आप पेटीएम से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन का भी ऑफर आप सभी को मिल जाएगा जब पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे भी काफ़ी सुविधा आपको मिल जाता है, मोबाइल रिचार्ज, मतलब सभी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कैसे पेटीएम का केवाईसी करना है, चलिए मैं वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देंगे केवाईसी करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करके जो पेटीएम एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ओपन करना है। अगर आप पहले से डाउनलोड किए हैं तो इसे एक बार अपडेट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं पहले इसे अपडेट कर लेता हूं। अपडेट करने के बाद ही आपको ये सुविधा मिलता है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। ओपन करने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है। जब लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको केवाईसी का, यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है केवाईसी, ठीक है। केवाईसी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा केवाईसी नियर पॉइंट का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी करने का ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना है। उसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम है, नाम को डालना है, यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों एक्टिवेट माई वॉलेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है विजिट ए नियर केवाईसी स्टोर, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी नज़दीक में केवाईसी सेंटर है 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, वो दोस्तों यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है कि यहाँ कॉल पर क्लिक करना है। कॉल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको नंबर मिल जाएगा केवाईसी सेंटर का, इस पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद दोस्तों वहाँ पर खुद बुलाएंगे। अब बुलाने के बाद दोस्तों वहाँ पर 5 मिनट के अंदर आपका जो फुल केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कंप्लीट होने के बाद जितना सुविधा है पेटीएम की तरफ से 72 घंटे के अंदर आप सभी को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पेटीएम केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हो। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।